किया गया था यहाँ का व्यवस्थापक के द्वारा, उसमें भारी कमी है। जय श्री राम। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन मात्र को लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शास्त्री जी ने घोषणा की कि कथा समाप्त की जाती है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अब यदि कथा जारी रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। तो देखा हम सबों ने कि कितनी ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति बिहार के लोगों को अपने साधु संतों महात्माओं और धर्म गुरुओं के प्रति है, जबकि कुछ लोग हैं जो जोर शोर से सनातन धर्म का विरोध करते दिखते हैं इसी बिहार में। वो कहते हैं हम 85% लोग हैं जो सनातन धर्म के नहीं हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे देवी देवता अलग हैं। दूसरे दिन की कथा का दृश्य देखें जहाँ 3-4 लाख लोगों का अनुमान लगाया गया था, वहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं। जाने वाले सभी मार्ग जाम की भेंट चढ़ गए हैं। देखें जरा देखें, अरे सनातन धर्म जीवंत धर्म है। यदि आप इसे समझ पाते हैं, इसमें भरोसा कर पाते हैं कि देवी देवताओं के प्रति अगर आपके मन में गहरे आस्था है, तो आप पाएंगे कि सनातन धर्म से ज़्यादा जीवंत धर्म अभी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। यदि हृदय से ईश्वर को आप स्वीकार करेंगे तो आपकी सभी चाहतें सनातन धर्म में पूरी होती रहेंगी ईश्वर की कृपा से। तो देखा हम सबों ने, देख रहे क्या हालत है, कितने लोगों की संख्या है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। बाबा निश्चय यह घोषणा की कि कथा चलती रहेगी, 5 दिन कथा होगी, परंतु आज दूसरे दिन कथा को स्थगित किया जाता है। तीसरे दिन अब देखें, जबकि बाबा ने बिल्कुल लोगों से आग्रह किया है कि जो आने का विचार कर रहे हैं वो कृपया घर में टेलीविजन मोबाइल पर ही कथा सुने, यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पहले से ही लोगों की इतनी संख्या है कि लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं और आपका आना स्वयं को और इनके मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। इसलिए कृपया घर में ही टेलीविजन पर और मोबाइल पर कथा सुने। ये बाबा ने श्रद्धालु भक्तजन से बिल्कुल ही आग्रह किया है। तो देखें आज तीसरे दिन क्या होता है, थोड़ी देर में तीसरे की कथा भी आरंभ हो जाएगी।